अरे अरे शांत हो जाओ दोस्तों। लेकिन क्या यह सच में मुमकिन है जब एक बहुत ही अद्भुत चॉकलेट चुनौती हो रही हो? आइए देखते हैं कि इसमें क्या होगा। अरे ये तो मैड हैटर है। ओ, और वह एक चॉकलेट फाउंटेन लेकर आया है। अगर वह काम करता है तब क्लोई और मॉली को उसे इसी वक्त चालू कर देना चाहिए। स्ट्रॉबेरीज, यह तो इसके साथ एकदम सही चीज होगी। और लड़कियां तो बहुत उत्साहित हैं अपने बेरी के पहाड़ के साथ। वाह, क्लोई का फल तो एक चॉकलेट के टुकड़े में बदल गया। आज तो यहाँ जादू की भरमार है। हमारी जोड़ी तो बहुत खुश है और उन्होंने सीधा खाना शुरू कर दिया, या शायद मुझे कहना चाहिए कि अपने मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। क्या वह ब्रोकली के साथ भी ऐसा ही करेंगे? उनके उत्साह तो कम नहीं हुई है, लेकिन शायद जल्द ही हो जाए। तो कैसा है? Oh, no! लगता है कि क्लोई को यह कॉम्बो पसंद नहीं आया, लेकिन मॉली जानती है कि जादू से किसी भी स्थिति को बदली जा सकती है। ब्रोकली के आकार की तरह चॉकलेट यह तो बहुत बेहतर है। बहुत ही अच्छा स्वाद, और अब वह हरा कुरकुरा चीज नहीं होगा उसे बर्बाद करने के लिए। क्लोई हार मान गई है, जो हम समझ सकते हैं। उसका व्यंजन तो सच में खाया नहीं जा सकता है। छी। आगे बढ़ते हुए पिज्जा प्रकट हो गया। वो टुकड़े तो बहुत बड़े हैं। वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी को अपने टुकड़े को चॉकलेट में डुबोना होगा, जो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर सच सच कहूँ तो बहुत ही बदतर। बस मॉली से पूछकर देख लो। क्लोई इस बार भागशाली निकली और उसे मिला है पिज्जा का फज वर्जन, जिसके ऊपर है चॉकलेट पेपरोनी। क्या आपने पहले कभी ऐसी कोई चीज देखी है? हम क्लोई को अपने टुकड़े को इस तरह खाने के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम होते तो हम भी ऐसा ही करते। हालांकि शायद हम थोड़ा समय ले लेते। तो ये क्या है? बिंगो! देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मॉली, मेरा हाथ अब एक मीठा ट्रीट है। मुझे लगता है मैं एक दो उंगलियां खा लेती हूँ। कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? सब कहाँ चला गया? अरे मैंने खत्म नहीं किया था। मैड हैटर, यह क्यों किया? चुनौती जारी है। अरे लड़कियाँ इसके लिए तैयार नहीं हैं। डायनामाइट! रुको, नहीं, यह तो बस चॉकलेट है और बहुत स्वादिष्ट भी है। लेकिन रुको, अगर वो नकली वाला था तो क्लोई के प्लेट में क्या था? ओ, चीजें तो बहुत गंभीर हो गई हैं। इन दोनों को तो तुरंत किसी सुपर हीरो की मदद की जरूरत है। वाह, सुपर गर्ल, क्या यह तुम हो? उसे तो डर नहीं लगता है, वह यह समस्या को संभाल लेगी। ठीक है, तुम दोनों, मैं दिन को बचा लूंगी। सबसे पहले तो हमें बेशक पूरी जगह को टेप से बंद करना होगा सुरक्षा के लिए। और अब बम की बारी, मैं इसका ध्यान रख लूंगी। काम नहीं कर रहा है, क्यों ना? अरे नहीं, तुम्हें पता है क्या, मुझे सच में जाना होगा। मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है मदद के लिए। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ करना होगा। हमें इस काम के लिए सही उपकरण चाहिए होंगे। एक टेडी बियर। नहीं, तुम सही कह रही हो। एक फेदर डस्टर, यह तो मददगार होगा ना? नहीं, ओ, मुझे पता है, लेकिन मैं कौन सा तार काटूं? चलो कुछ कोशिश करती हूँ। मॉली, यह तो बहुत आश्चर्यजनक था। कितना अद्भुत, एक वास्तविक चॉकलेट विस्फोट।
शांति और शांति, यह सब क्या है? कितना बुरा। काश दुनिया के सारे बिस्कुट ऐसे ही मीठे होते। तो चलिए, क्या हम देखें? ओ, क्लोई का हिस्सा तो अच्छा है। लेकिन मॉली का व्यंजन तो बहुत बढ़िया है। सच कहूँ तो काफी कठिन है यह फैसला लेना कि किसका बेहतर है, लेकिन स्पष्ट रूप से क्लोई को तो मॉली से थोड़ी जलन हो रही है। ओ, चुराने के लिए तो उसके लायक ही थी। क्लोई ने पूरी गंदगी फैला ली है, इसके लिए वो अपने अलावा किसी को दोष नहीं दे सकती। लेकिन लगता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो गया सो हो गया। मॉली को लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। एक दोस्त से चॉकलेट छीनना अच्छा नहीं होता है, बहुत बुरा बर्ताव। कोको का एक नया गिलास और फिर दोबारा। सब ठीक है। क्या यह कोई मजाक है? खैर, लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। अब मॉली वह ले रही है जो उसका था। अच्छा है, बहुत सारा था। हाँ तो ढक्कन खोलो और देखो, अगला दौर आ गया है। वाह, यह तो बहुत सुंदर है। वैसे जूते जिनका ख्वाब लड़कियाँ देखती हैं। चलो उन हील्स को पहन कर देखो। क्लोई का तो पूरा रूप एक पल में बदल गया। मॉली, क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो? शायद नहीं। लगता है कि यहाँ समस्या वह जूते ही हैं। हाँ, उन्हें तो खा सकते हैं। खैर, उसके पास हील्स तो नहीं है, पर उसे कम से कम एक स्नैक तो मिल गया। तो इधर क्या मिला है? नया फोन। मॉली को तो नया वाला मिला है। खैर, जो है सो है। कम से कम क्लोई कुछ सेल्फी तो ले सकती है। अरे, स्क्रीन को क्या हुआ यार? ओह, यह तो चॉकलेट का बना है। लेकिन ज्यादा आश्चर्य देखकर हो रहा है कि मॉली का नया गैजेट क्या क्या कर सकता है। मेरी बात मानिए कि वह फीचर तो जितने ऐप आपने देखे होंगे उससे हजार गुना बेहतर होंगे। क्लोई को लगता है कि मॉली कुछ ज्यादा ही कर रही है, और हाँ, शायद उसे थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो फोन गया बाहर उड़ते हुए। अफसोस करने से बेहतर है सुरक्षित रहना। मैड हैटर तो पूरे दिन से एक कप कोको का आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। कौन जानता था कि उसकी एक मन्नत पूरी करना कितना कठिन होगा। हालांकि एक नया आईफोन सबसे बुरी चीज नहीं है जो उसके ग्लास में गिर सकती थी, खास करके जब वह जादुई हो। चॉकलेट के साथ चॉकलेट, यह तो एक परियों की कहानी की तरह है। लड़कियां भी बहुत खुश है और उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा? ओह, खेलने के लिए कौन तैयार है? आशा है कि ये दोनों हैं। अगर ये थोड़ा वार्म अप कर ले तो शायद कोर्ट में जाकर खेल ले। लेकिन संदेह है कि मॉली उस रैकेट से कुछ मार पाएगी कि नहीं। लेकिन यह खाने के लिए एकदम सही है, क्योंकि वह चॉकलेट का बना हुआ है। वह बॉल तो सही नहीं लग रहा है। ओ, और देखो, यह टूटकर मॉली के प्लेट में आ गया है। क्लोई खुशी खुशी इस दौर में सर्व करने के लिए तैयार है। उसका हाथ तो उसके लिए ही बना है। तो तैयार हो जाओ दोस्तों। चाहे जो हो जाए, एक दिन में हॉट चॉकलेट से सब कुछ बेहतर हो जाता है। अरे नहीं, फिर से नहीं। Okay, here we go.
कॉस्मेटिक्स, ये जितना भी हो काफी नहीं होता और क्लोई और मॉली इस बात से सहमत है। मॉली को तो परफ्यूम इकट्ठा करना बहुत पसंद है, उसमें वो माहिर है। क्लोई सामग्री को ध्यान से देख रही है, सब कुछ कितना नया, चमकीला और सुंदर है। पर उसी समय थोड़ा अजीब भी है। वो एकदम चॉकलेटी रंग और सुगंध वाला है, स्वादिष्ट। वो इस मीठे स्वाद का पूरा दिन आनंद ले सकती है। मॉली क्लोई का मेकअप करना चाहती है क्योंकि उसे जो परोसा गया था वह चॉकलेट का बना हुआ था, कुछ रंगीन अच्छा होगा। यह निश्चित नहीं है कि वह स्टाइल और रंग क्लोई के लिए अच्छा है। मॉली वादा करती है कि यह उसकी गलती नहीं थी, इसके लिए पैलेट को दोष देना चाहिए। और लगता है कि उसे बस वह चीज खानी होगी। चॉकलेट शैडो तो इसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं बने थे। और एक के बाद एक हर एक चीज को वो दोनों खुशी खुशी खा गए। यह शायद लड़कियों की पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन हो। चॉकलेट, चॉकलेट और बहुत सारा चॉकलेट।